और आलू है ही नहीं, हालांकि कराची बिरयानी में आलू वो है। चावल बहुत अच्छे थे लेकिन टिक्की में मुझे लगता है ये शामी टिक्की में ना चिकन डालना भूल गया, खाली दाल की टिक्की बना दी है इन्होंने। इसको अगर हम ऐसे तोड़ के खाना भी चाहें ना, ये उससे पहले ही खुल जाती है सारी, ये ऐसे चूरा चूरा हो गया जैसे ये बाजरे की टिक्की थी। और इतनी छुपा के मुझे नहीं समझ आता कि ये भाई बोटियां इतनी छुपा के क्यों देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो आज मैं आई हूँ कराची नसीब बिरयानी। वैसे तो इनकी बहुत सी ब्रांचेज है लेकिन मैं आई हूँ करतबा चौक आबिद मार्केट वाली साइड में। तो आज हम इनकी यहाँ की बिरयानी टेस्ट करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। और अंदर आते ही इन्होंने मेन्यू जो है वो अब पेपर वाला ख़त्म कर दिया और बड़ा प्यारा डिजिटल सा लगाया हुआ है दीवार पर। तो मैंने करवाई है इनकी फुल बिरयानी और इसके अंदर हम देखते हैं हमें बोटी का कौन सा पीस इन्होंने दिया है। और इतनी छुपा के मुझे नहीं समझ आता कि ये भाई बोटियां इतनी छुपा के क्यों देते हैं। मुर्गी ने जिंदा होकर भाग जाना होता है। एक बोटी ये है और एक जो है वो ये है। फुल प्लेट में हमें ये दो बोटियां मिली हैं बस, और आलू है ही नहीं, हालांकि कराची बिरयानी में आलू वो है। है आलू है, ये रहा हमारा आलू और इसमें से धुएं निकल रहे हैं, यानी ये बहुत फ्रेश बिरयानी है। और इनका चावल बहुत अच्छा है, अलग अलग खिला खिला सा चावल है। और इसके साथ करवाया जी रायता और ये है जी शामी टिक्की। तो अब हम इन सबको मिला जुला के खाएंगे और बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। चलिए बिस्मिल्लाह, तो अब हम बनाएंगे इसकी बाइट। टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट वाइज ही अच्छे हैं लेकिन चावल बहुत फ्रेश है और चावलों में अलग से टेस्ट भी आ रहा है। मैंने अभी तक बिरयानी दो ही मेरे ख्याल से ट्राई की हैं, एक ढाका भैया की बिरयानी और दूसरा ये, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी थी और ये भी अच्छी है। तो दोनों मेरी तरफ से पास पास हैं, आप जहाँ भी जिसके करीब रहते हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं। चावल बहुत अच्छे थे लेकिन टिक्की में मुझे लगता है ये शामी टिक्की में ना चिकन डालना भूल गया, खाली दाल की टिक्की बना दी है इन्होंने। इसको अगर हम ऐसे तोड़ के खाना भी चाहें ना, ये उससे पहले ही खुल जाती है सारी, ये ऐसे चूरा चूरा हो गया जैसे ये बाजरे की टिक्की थी।